जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। भी कमी मत आने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गंजेपन के बारे में। क्या आपको मालूम है कि ग्रहों में भी छुपा हुआ है आपके गंजेपन का राज? जब हम बात करते हैं कि हमारी ये पूरी प्रकृति, हमारा पूरा ये जो संसार है, पूरी सृष्टि जो है ये ग्रहों के अधीन है, अगर पत्ते भी हिलते हैं तो वो ग्रहों के प्रभाव से हिलते हैं। आप देखते हैं कि ग्रहों का संयोग जो होता है उसी के चलते ऋतु परिवर्तन होता है, तमाम सारी चीजें हम देखते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि जहां हमारा ये पिंड स्वरूप शरीर है, कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। जहां ये शरीर रूपी पिंड है वहीं पर पूरा ब्रह्मांड है। तो हमारे शरीर पर ग्रहों का प्रभाव क्यों नहीं होगा? और जब ग्रहों के प्रभाव से हमारे काम बिगड़ सकते हैं, हम सफलता या असफलता को प्राप्त होते हैं, तो रोग या फिर शारीरिक कोई कष्ट हमको ग्रहों के प्रभाव से क्यों नहीं मिलेगा? सीधी सी बात है, निश्चित ही हम लोग इसको झेलते ही हैं। ग्रहों का आप इलाज करते हैं स्वस्थ हो जाते हैं, ग्रहों का इलाज करते हैं आप सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपका रूप, आपका सौंदर्य, आपके बालों का भी सीधा संबंध जो है वह ग्रहों से है। बालों के बिना चेहरे की सुंदरता की कल्पना किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी नहीं की जा सकती। आजकल गलत खान पान व प्रदूषण के चलते, आपकी अनियमित दिनचर्या के चलते बालों का गिरना या गंजेपन की समस्या जो है वो आम होती जा रही है। मगर आपको जानकर के ये हैरानी होगी या सुन करके आप थोड़ा सा हतप्रभ रह सकते हैं कि बाल रहेंगे या बाल गिरेंगे ये भी आपकी कुंडली के ग्रहों में छिपा रहता है। हम लोग अक्सर किसी भी व्यक्ति का जब लक्षण बताते हैं, लोग कहते हैं कि आप इस व्यक्ति के बारे में कुछ लक्षण बताइए, तो बहुत सारे ऐसे लक्षण मिल जाते हैं जिसमें यह भी एक लक्षण होता है कि इस व्यक्ति का बाल अभी कितना है कितना नहीं है। आप जब किसी व्यक्ति का हुलिया बताते हैं तो वो कुंडली से पता लग सकता है। तो आइए जानते हैं, आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप अपनी कुंडली के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति के बालों का संबंध ग्रहों से कैसे जुड़ा हुआ है। लग्न के हिसाब से यदि देखें तो मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ लग्न वालों को बाल गिरने की समस्या का अक्सर दूसरों से अधिक सामना करना पड़ सकता है। ये अगर लग्न रहेंगे तो आपके बाल बाकी लोगों के कंपैरिजन में, आपके परिजनों के कंपैरिजन में ज्यादा गिरेंगे। यदि कुंडली में इनके लग्नेश कमजोर हो या गोचर में ग्रह नीच का हो गया हो, कमजोर हो जाए, तो उस समय यह समस्या बहुत ज्यादा आम हो जाती है। या उस दौरान यह समस्या, अगर गोचर में कहीं ऐसा संयोग बन रहा है तो यह समस्या और ज्यादा प्रभावी हो जाती है और बालों का गिरना गंजेपन की हद तक किसी भी व्यक्ति के समक्ष आ सकता है। इसके बाद दूसरे कौन कौन से योग बनते हैं, आइए ये भी बता दूं। लग्न पर शनि की कुदृष्टि भी असमय गंजापन, बालों की सफेदी, बालों का रूखापन, बालों को बेजान बनाना और व्यक्ति को जवानी में ही प्रौढ़ावस्था बहुत मैच्योर सा दिखने वाला बना देती है। लग्न पे शनि की दृष्टि अगर हो, अगर अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा संयोग होता है। लग्न पर राहु की कुदृष्टि हो तो रूसी की समस्या, डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, सिर में फोड़े फुंसी होने लगते हैं, चकत्ते बनना आदि जैसी बीमारियों से बाल झड़ने और बाल सड़ने और गिरने लगते हैं, ऐसे लक्षण समक्ष आते हैं। वहीं चंद्रमा व शुक्र की अगर खराबी है, आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र खराब है, इससे कफ की अधिकता को बढ़ावा मिलता है। कफ की प्रवृत्ति जो है, वात पित्त कफ वाली जो कफ की प्रवृत्ति है वह बढ़ती है। ऐसे में अधिक जुखाम खांसी के चलते बाल भी गिरते हैं और सफेद भी जल्दी होने लगते हैं। ये चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होता है।
इसके बाद बारी आ जाती है मंगल की। मंगल की वक्रता से भी बाल मांग की तरफ से पूरी लंबाई में गिरने लगते हैं। रक्त की खराबी या एनीमिया इसके लिए जिम्मेदार कारण बन सकता है। अब बात आ जाती है फिर से एक बार चंद्रमा की। चंद्रमा जब अधिक पीड़ित हो तो बाल पीछे की तरफ से गिरते हैं, यानी चांद दिखाई देता है। जैसे लोग कहते हैं कि इनका चांद दिखने लगा, तो वो चंद्रमा से ही उसका संबंध होता है। और गोलाई वाला एक पैच बन जाता है जब सिर में, वो चंद्रमा की आकृति अपने आप बन जाती है, खासतौर पर जब चंद्रमा ज्यादा खराब हो। राहु की खराबी में बाल सिर के किसी भी हिस्से से पैच या गोलाई में गुच्छों में झड़ते हैं, बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, और उतना हिस्सा जो है व्यक्ति के सिर का गंजा हो जाता है। सूर्य भी गंजापन दे सकता है, ऐसा नहीं है कि सूर्य की भूमिका इसमें नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब है तो खराब सूर्य की स्थिति में माथे से बाल झड़ना शुरू होता है और व्यक्ति का माथा जो है अमूमन चौड़ा हो जाता है, आगे से फ्रंट से बाल गिरना शुरू होता है। वहीं फिर से एक बार शनि की बात आ जाती है। शनि की खराबी सिर के बीच के हिस्से से बालों को गिराती है और गंजापन बीच के हिस्से से आरंभ होता है। मंगल और शुक्र के प्रभाव से मांग चौड़ी होने लगती है और उस हिस्से से गंजापन आने लगता है। ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिससे आपके बाल सीधे तौर पर झड़ने लगते हैं। ग्रहों का यह संबंध है। आइए अब जान लेते हैं विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार के कष्ट से, परेशानी से बचने के लिए। गंजेपन से बचने के लिए लग्नेश को मजबूत करने के साथ साथ कुछ योग, कुछ प्राणायाम करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना, इसके साथ साथ पाप ग्रहों का उपाय करना और सूर्य चिकित्सा द्वारा बनाए गए तेल को लगाना जो है सर्वोत्तम उपाय होता है। आजकल आप बहुत सारे ऐसे एड्स देखते होंगे, लेकिन खासतौर पर अगर आप आयुर्वेदिक पद्धति से या ज्योतिषीय माध्यम से इसका निदान चाहते हैं तो इसकी एक प्रोसेस होती है जिस तेल को आयुर्वेद की पद्धति से बनाया जाता है और बनाने के बाद उसको सूर्य चिकित्सा के माध्यम से सूर्य की रोशनी में रख करके उसको सिद्ध करते हैं, धूप में रख करके उसको कई विधियों के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। अगर आप उस तेल को लगाना आरंभ करेंगे तो निश्चित ही आपके गंजेपन की समस्या, बाल गिरने और झड़ने की समस्या के साथ साथ डेंड्रफ जैसी प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से दूर हो सकती है। जी हाँ, तो आज आपने अपनी तमाम राशियों के बारे में भी जाना, महा उपाय भी जाना। पंडित जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपके लिए बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और इस हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।